अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, जेंट्स कमीज शलवार की कटिंग के सिलसिले की एक और एपिसोड। आज की वीडियो में हम एक और साइज़ पे कटिंग करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले साइज़ के बारे में जान लेते हैं। साइज़ हमारा कुछ इस तरह है कि कमीज़ की लंबाई 38.5, बाजू 22.5, तीरा 17.5 इंच, कॉलर 14 इंच, घेरा 20.5 इंच, शलवार 38.5 इंच और पांचा जो है 7.5 इंच। ये तो हमारा साइज़ हो गया है। इसके बाद ये जो हमारे पास कपड़ा मौजूद है, इसकी लंबाई ये 4 मीटर है और जो है ये बड़े यार्ड्स वाला कपड़ा है, जैसा कि आजकल मार्केट में आ रहा है। तो आइए कटिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कपड़े को इस तरह खोल लेते हैं। यहाँ मैं आपको फ्रेंड्स एक टिप देता चलूँ, कटिंग करने से पहले आप चेक कर लिया करें कि कपड़े पे कोई इस तरह के धागे हों या कोई भी मार्किंग वाली साइड हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए कटिंग का आगाज़ करें। तो ये हिस्सा हमारा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, इस पर देखें कंपनी की मार्किंग भी हुई थी और यहाँ स्टिकर्स भी लगे हुए थे। तो हम इसी साइड से कटिंग का आगाज़ करेंगे। कपड़े की बंद साइड को अपनी तरफ रखते हुए ये देख लें, कपड़े की खुली साइड हमारे दूसरी तरफ है। बिल्कुल आसान अंदाज में आपको कटिंग सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा गौर करते जाइए। अब क्या करना है, सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से सीधा करेंगे। उसके बाद यहीं से कपड़े को उठाते हुए सबसे पहले हम इस साइड से शलवार के पीसीज उतारेंगे। शलवार हमारी है जो 38.5 इंच, तो उसमें 3 इंच ऐड करेंगे नेफे के लिए, तो ये 41.5 इंच हो जाएगा। और ये कपड़ा हमारे पास काफ़ी है और साइज़ भी इतना बड़ा नहीं है, तो हम शलवार की पट्टियां भी इसी में से निकालेंगे। और अब हम जो फालतू कपड़ा लेंगे वो कितना लेंगे, 5 इंच। अगर आपने शलवार की कटिंग जो है पट्टियों समेत करनी हो तो कुल लंबाई में से 5 इंच ऐड कर लिया करें। जैसे कि ये 38.5 इंच लंबाई है तो उसमें 5 इंच ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 43.5 इंच, 43.5। ये देखिए 43.5 इंच को आप हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह डबल करते हुए। ये हमारे 2 पीस हो गए हैं 43.5 के। अब यहां से हम कटिंग कर लेते हैं। बाकी कपड़े को अलग से रख देते हैं। शलवार के इन 4 पीसों को ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से और इस बंद साइड से बिल्कुल बराबर रखना है। इस साइड से अगर थोड़ा फर्क भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपकी जो बंद साइड है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए।
शलवार की कटिंग करते वक्त आपने ध्यान करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, बंद साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए, खुली हुई साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। शलवार की कटिंग का ये तरीका है। और ये शलवार जो है हम गुडी काट इसकी कटाई करेंगे, क्योंकि इसमें से आराम से हमारा शलवार का घेरा भी निकल आएगा और इसी चौड़ाई में कपड़े की इसी अर्ज में हमारी कमीज की चौड़ाई भी निकल आएगी। तो करना क्या है आपने, शलवार की लंबाई है 38.5 इंच, तो 38.5 को हम 200 पे तकसीम करेंगे, कितना बन जाएगा 19 इंच, 19 यानी 19.25 इंच बचेगा। तो 19.25 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ये तकरीबन हो जाएगा 21.25 इंच। तो आप चाहे तो आप 21 इंच यहाँ पे कटिंग कर लें या चाहे 21.5 कर लें। हम जो हमने ऑफ निकाला है उसी के मुताबिक ही कटिंग करेंगे, 21.25 इंच। और कुछ फासले पर फिर 21.25 इंच का निशान लगाएंगे। और इसका जो आसन है हम या 18.5 इंच रखेंगे, बल्कि 18 इंच इसका हम आसन रखेंगे। ये कौन से फार्मूले मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर एक वीडियो आ रही है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस साइज़ की शलवार के लिए घेरा और आसन कितना रखना चाहिए। इंशाल्लाह आप उसमें से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो पोंचा जो है 7.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखते जाइए कि जो जो पीस हमारे यहाँ से निकल रहे हैं इनका हमने करना क्या है। ये जो पीस हमने साइड से निकाले हैं इनमें से फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप और हो सकता है कॉलर का जो नीचे वाला बहन होता है वो भी इसी में से निकल आए, तो किसी भी पीस को आपने ज़ाया नहीं करना। अब यहाँ पर हम नेफे की जो चिड़ियाँ होती हैं उनके लिए निशान लगा लेते हैं, 2 इंच या 2.25 इंच। अगर आपने बड़ी चिड़िया बनानी हो तो 2.25 इंच, वरना 2 इंच काफी होता है। और फिर इस निशान से एच टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए 2 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं, कैंची को हल्का सा इस तरह गोलाई की शेप देंगे। और फिर यहाँ सेंटर में से कट कर देते हैं। ये हमारी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम तीरे की कटिंग करेंगे। अब ये जो शलवार की कटिंग के बाद हमारा ये पीस बचा है इसको हम कुछ इस तरह बिछाएंगे कि इसकी बंद साइड अपनी तरफ होगी और ये जो नोक वाली साइड बची है ये हमारे सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ हम इस्त्री की मदद से इस कपड़े को बिठा लेते हैं।
अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम तीरे की चौड़ाई निकालेंगे। इस साइज के लिए हमने जो तीरे की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 4.5 इंच। 4.5 हमने इस साइज के लिए तीरे की चौड़ाई रखनी है और यहाँ से जो हमने गहराई रखनी है 1.25 इंच। 4.5 इंच चौड़ाई और फिर 1.25 इंच यहाँ से गहराई रखनी है और यहाँ पे हाले का मार्किंग करनी है। तो 14 इंच कॉलर के लिए हमने यहाँ 2.25 इंच का निशान लगाना है। और फिर तीरे की लंबाई निकालेंगे। तीरा हमारा 17.5 इंच था तो 17.5 इंच में हमने 1 इंच ऐड करना है तो 18.5 इंच हो जाएगा और 18.5 इंच का फिर हाफ लेना है यानी 9.25 इंच। और यहाँ से जो तीरे का हमने डाउन रखना है वो रखना है 4.25 इंच। इस साइज के लिए हमने तीरे का यहाँ से डाउन 4.25 इंच लेना है। अब इन सब निशानों को आपस में मिला लेते हैं। और यहाँ पे गोलाई की शेप दे देते हैं। अब यहाँ से एक मरतबा फिर आप समझ लीजिए, सबसे पहले हमने तीरे की चौड़ाई रखी है 4.5 इंच, फिर यहीं से हमने गहराई रखी है हाले की 1.25 इंच और यहाँ से हमने हाले का जो मार्किंग किया है 2.25 इंच यानी 14 इंच कॉलर के लिए। फिर हमने लंबाई ली है 1.5 इंच ऐड करके 18.5 इंच और 18.5 इंच का फिर हाफ लिया है 9.25 इंच और यहाँ से हमने जो तीरे का डाउन लिया है 4.25 इंच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस पर कटिंग कर लेते हैं। ये तीरे की कटिंग हमने कर ली है। अब फ्रेंड्स ये जो कपड़ा बच गया है इसमें से हमने क्या करना है, हमने कॉलर का एक हिस्सा इसमें से निकालना है। ये जो मार्किंग वाली साइड है इस हिस्से में से हमने यहाँ से कॉलर निकालना है और फिर 2 कप निकालने हैं और ये जो दूसरा पीस है इसमें से हमने साइड पॉकेट्स निकालनी है। और इसके बाद ये जो हमारे पास पीस बच गया था इसमें से हम सबसे पहले कमीज के फ्रंट और बैक के लिए पीस अलग करेंगे। कमीज की लंबाई हमारी 38.5 इंच है तो इसका घेरा हमें सीधा रखना है तो हमने 2 इंच फालतू कटिंग करनी है, 2.5 इंच भी कर लें एहतियात के तौर पर। 38.5 में अगर 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 41 इंच हो जाएगा। 41 इंच को इस तरह सिंगल करते हुए शलवार की लंबाई को हमने डबल किया था जबकि कमीज की लंबाई को हम सिंगल करके कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये जो हमारा पीस बच गया है इसमें से हम कमीज के बाजू निकालेंगे। इस कपड़े की खुली हुई साइड अपनी तरफ रखते हुए इस तरह बिछा लेंगे और ये जो मार्किंग वाली पट्टी है इसको साइड से कट कर लेते हैं।
फिर बाजू का सबसे पहले हम कंधा रखेंगे। इस साइज़ के लिए हमने कंधा कितना रखना है, तीरा हमारा था 17.5 इंच, तो 17.5 इंच का हाफ करेंगे कितना बनेगा 9.25 इंच। तो फिटिंग वाले बाजू बनाने हैं तो हमने इसका जो कंधा है वो 9.25 इंच रखना है। तीरे का हमने हाफ कर लिया है, ये देखिए 9.25 इंच। ये फिटिंग वाली कमीज के लिए फार्मूला है, आपने हर कमीज की कटिंग पर यह फार्मूला अप्लाई नहीं करना। इंशाल्लाह इस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस पर काम जारी है अभी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बाजू का कंधा कितना रखना चाहिए, आर्म होल कितना रखना चाहिए। फिटिंग वाली कमीज है, 17.5 इंच का तीरा था और 17.5 का हमने हाफ कर लिया है 9.25 इंच। तो सबसे पहले इधर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड से हम लेंगे 3.25 इंच। तो इस 1/2 इंच वाले निशान से लेकर 3.25 तक हमने इधर गोलाई की शेप डालनी है। ये देखें हमने इधर गोलाई की शेप डाल ली है, सेंटर में कट लगा देते हैं और यहाँ से हम निशान लेंगे 3.5 इंच का। ऊपर वाले 2 पीस उठाकर ये जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है, यहीं से हम 1/2 इंच से लेकर 1/4 इंच तक अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ हमने शेप दे दी है इसे, जेंट्स की बीच में ये शेप बहुत ज़रूरी होती है, जिससे बाजू आगे वाली साइड से साफ आ जाता है। इसके बाद बाजू की लंबाई निकालेंगे, बाजू हमारा 22.5 इंच है, तो 22.5 पे हमने 2.5 इंच का कफ लगाना है, तो बाजू को अब हम 1.5 इंच कम रखेंगे। 22.5 बाजू है तो हम कितना रखेंगे 21 इंच। 21 इंच हमने बाजू का निशान लगा लिया है, हमने आपको बताया कि 2.5 इंच का कफ लगाएंगे। जब 21 इंच बाजू का निशान लगाया है तो 1/2 इंच कंधे में चला जाएगा सिलाई और 1/2 इंच कफ के अंदर सिलाई चली जाएगी, तो पीछे बचेगा 20 इंच और 20 पे हम 2.5 इंच का कफ ऐड करेंगे तो 22.5 इंच हमारा बाजू पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमने जो बाजू का ओपन कितना रखना है, ये बाजू हमने फिटिंग वाले बनाने हैं, इस पर कोई चोटें वगैरह नहीं देनी, तो कफ इस बाजू पे हमने लगाना है 9.25 इंच और यहाँ हम लेंगे 5 इंच। अगर हमने यहाँ चोटें देनी होती तो बाजू का मुंह जो है वो 5.5 इंच लेते। यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं, इसके बाद क्योंकि बाजू हमारा कटिंग वाला है तो यहाँ हल्की सी शेप देंगे। फिर बाजू की कटिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, कहीं जरूरत पड़े तो इसे यूज कर सकते हैं।
पिछले दो पीसीस को फ्रंट से 1.5 सेंटीमीटर कम रखना है। इसके बाद बाजू को यहीं से फोल्ड करते हुए यहाँ पे कोने 2 इंच का निशान लगाएंगे और कुछ फासले पर भी कोने 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये सूट की मैंने जितनी कटिंग की है ये सीधे रुख पे की है, यही इसका उल्टा रुख अंदर की तरफ है। तो यहाँ हम चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे 5.5 से 6.25 इंच तक। यहाँ कटिंग करते वक्त आपने ध्यान रखना है सिर्फ ऊपर वाले 2 पीस आपने उठाकर कटिंग करनी है, चारों पीसों को कट नहीं करना। जैसा कि हमने यहाँ किया है 2 पीस कट किए हैं, आपने सिर्फ 2 पीस ही कट करने हैं और अंदर की तरफ इधर निशान लगा देते हैं। ये तुम्हारे बाजू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको तफसील के साथ समझा रहा हूँ। इसके बाद कमीज का फ्रंट और बैक इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये साइड वाली मार्किंग इसकी कटिंग कर लेते हैं। कमीज का घेरा जो है वो 20.5 इंच है तो सीधा घेरा रखना है, 1 इंच हमने इसमें ऐड करना है, 20.5 + 1 21 इंच। इस 21.5 इंच पे हम कटिंग कर लेते हैं। तरफ निशान लगा देते हैं उल्टे रुख पे। अब इन दोनों पीसों को इस तरह फोल्ड करेंगे कि उल्टा रुख अंदर की तरफ चला जाए जैसा कि है और फिर इन दोनों पैनल्स पे अच्छी तरह प्रेस लगा लेते हैं। जब तक हम प्रेस लगाते हैं तब तक वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कमीज के फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स पर अच्छी तरह प्रेस लगा ली है। अब इन दोनों को एक दूसरे पर इस तरह बिछाएंगे कि बन साइड दूसरी तरफ रखते हुए खुली साइड अपनी तरफ रखनी है। दूसरा पीस भी इसके ऊपर बिछा देते हैं। सबसे पहले इन दोनों पैनल्स को ऊपर से हम बराबर कर लेते हैं। और इधर हम हाले का निशान लगाएंगे जैसा हमने तीरे पे लिया था 2.25 इंच, फिर 2.25 इंच। चौड़ाई 2.25 इंच गहराई। इसके बाद तीरे का निशान लगाएंगे, तीरा 17.5 है और 17.5 इंच का हाफ करेंगे तो 9.25 इंच। और यहीं से तीरे की गहराई रखेंगे, तीरे का डाउन 2.25 इंच। हमने यहाँ से तीरे के हाले की चौड़ाई रखी है और 2.25 ही गहराई और 2.25 ही हमने यहाँ से तीरे का डाउन रखा है। तो आर्म होल रखेंगे हम यहाँ से 7.5 इंच
साढ़े सात इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और फिर यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा उलझाऊँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये चार पांच बस मार्किंग इतने निशान लगाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक मरतबा फिर देख लें, सवा दो इंच यहाँ से हमने आले की चौड़ाई रखी है और सवा दो इंच की गहराई, फिर यहाँ से तीरे की लंबाई निकाली है और फिर तीरे का डाउन रखा है सवा दो इंच और फिर एंड पे आर मोल रखा है साढ़े सात इंच। तो ये जो हमने निशान लिया है सवा दो इंच का, यहाँ तक हम सीधी कटिंग करेंगे यहाँ तक और फिर कैंची को हल्का सा अंदर ले जाते हुए साढ़े सात वाले निशान तक गुलाई डाल देंगे। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, इसके बाद तीरे के डाउन वाली कटिंग करते हैं और फिर यहाँ से हाले की कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद यहीं पे हम फ्रंट ब्रैकेट का निशान लगा लेते हैं। इस साइज पे हमने जो फ्रंट ब्रैकेट रखनी है वो साढ़े ग्यारह इंच, हाफ इंच ऊपर नीचे हो सकती है। और एक मरतबा हम आर्म होल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जब आपके बाजू का कंधा, जैसा कि अभी मैंने ये कटिंग किया है आपके सामने, पौने नौ इंच कंधा यहाँ से हमने लिया था, तो आर्म होल हमारा कितना होना चाहिए, अब पौने आठ, बाजू के कंधे से एक इंच कम होना चाहिए आर्म होल। चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कम आ रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, एक दो सेंटीमीटर की और कटिंग कर देनी है। बस इतनी इतनी हमने और कटिंग कर दी है इसकी, अब ये हमारा आर्म होल पूरा हो जाएगा। तो अब बैक वाले पैनल पे हमने तीरे का निशान लगाना है। ऊपर वाले पैनल पे हमने पौने नौ इंच का लगाया था निशान और नीचे वाले पैनल पे हम लगाएंगे सवा नौ इंच। यहाँ तक सीधे कटिंग करते हुए फिर हल्का सा अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और ऊपर वाले पैनल से तकरीबन हमने हाफ इंच फालतू लेते हुए यहाँ तक कटिंग की है और यहाँ एंड पे हमने इसकी बराबर कटिंग कर दी है। इसके बाद बैक वाले पैनल पे यहाँ हमने सवा दो इंच का निशान लिया था तो सवा दो इंच का हाफ करेंगे, एक इंची और एक सेंटीमीटर 1.1 इंच यहाँ पे हम निशान लेंगे और यहाँ सीधी लाइन लगा लेंगे और बैक से कट कर लेंगे। बैक कटिंग का बिल्कुल आसान फार्मूला है, आप यहाँ से जितना भी डाउन रखें, जितना भी आपने डाउन लिया है उसका हाफ आपने बैक को कट कर देना है। ये तो ऊपर वाली कटिंग हो चुकी है, इसके बाद साढ़े बीस इंच गहरा है तो हमने यहाँ जो चेस्ट रखनी है वो 20 इंच रखनी है, तो 20 और प्लस उसमें एक इंच सिलाई के लिए मार्जिन भी रखना है तो 21 इंच हो जाएगा और 21 इंच का हाफ जो है वो साढ़े दस इंच, साढ़े दस का यहाँ निशान लगा लेते हैं और यहीं से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और इस साइज़ के लिए हमने जो पॉकेट्स के निशान लगाने हैं वो कुछ इस तरह लगाने हैं कि ऊपर से चार इंच
पॉकेट के लिए 7 इंच और नीचे से 4.5 इंच। ये हमने साइड्स की मार्किंग कर ली है, ऊपर से 4 इंच, फिर पॉकेट के लिए 7 इंच और फिर यहाँ से नीचे की तरफ हिप वाली जगह 4.5 इंच। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कटिंग बहुत पसंद आई होगी। किसी भी मसले की सूरत में हमें व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए साइज़ के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।